हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ईयर मंथ क्लास के बारे में और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप ईयर मंथ क्लास का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईयर मंथ क्लास के बारे में समझ लेते हैं। जावा में ईयर मंथ क्लास एक इम्यूटेबल डेट टाइम ऑब्जेक्ट होता है और इसका काम होता है ईयर और मंथ के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करना। इसको बेटर तरीके समझने के लिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो ईयर मंथ क्लास है उससे मुझे कॉल करना है नाउ नेम की मेथड को। ये एक स्टैटिक मेथड है और आप इसे क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। जब आप ईयर मंथ क्लास का यूज़ करेंगे तो आपको जावा के इनसाइड जो टाइम पैकेज है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप ईयर मंथ से नाउ नेम के मेथड को कॉल करते हैं तो इस नाउ मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो ईयर मंथ है, तो इससे इसका ऑब्जेक्ट मिलता है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ईयर मंथ नेम के रेफरेंस में इसे असाइन कर लेता हूँ जिसका टाइप ईयर मंथ क्लास है। अब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट। और जैसे ही मैं ईयर मंथ रेफरेंस को यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा तो यहाँ पर मुझे ईयर और मंथ का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलेगा। मैं यहाँ पर रन करके चेक करके बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर और मंथ मुझे मिल चुका है यहाँ पर इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया ईयर मंथ क्लास के बारे में और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।